यस टीवी के सभी दर्शकों को एंकर वातिश का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, बहुत सारी बातें ऐसी करता हूं जो आपके लिए बहुत लाभदायक होती हैं। वैसे जिंदगी में कामयाब कौन नहीं होना चाहता, कामयाब सभी होना चाहते हैं, लेकिन कामयाबी के लिए आपको कदम उठाने पड़ते हैं। जी हाँ, वो कदम ऐसे जो कदम आपको हमेशा सफलता दिलाए। हमेशा ये याद रखिए, जो ठीक समय पर उठता है वो जीवन में सच में उठता है, जो देर से सोता है वो अच्छी चीजें खो देता है, जो जल्दबाजी से खाना खाता है वो बाद में पछताता है, जो ईश्वर का ध्यान करता है वो हमेशा हर पल मुस्कुराता है, जो किसी के काम आता है वो सच में पूजा कर जाता है, जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है वो अच्छा घर बनाता है। जी हाँ, ये तथ्य ऐसे हैं जो हमें बहुत कुछ समझाते हैं, बहुत कुछ बताते हैं। वैसे तो हर कोई अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है, माता पिता की रिस्पेक्ट करता है, लेकिन सच कहें तो पहले के समय में और अब के समय में जो बदलाव है उसका एक कारण हमारा स्वयं अपने आप को बड़ा मान लेना है। जी हाँ, हर चीज में हम ये कहते हैं कि हमें सब कुछ पता है, मैं जानता हूं, बस पापा आप रहने दीजिए, मामा आपको कुछ नहीं पता है। संसार का पता जिन्होंने बताया उन्हें आप कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं पता है, या फिर जिन्होंने अपनी पूर्ण जिंदगी आपके ऊपर न्यौछावर कर दी आप उन्हें कहते हैं कि आपको अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। चलिए एक छोटी सी बात समझाने जा रहा हूं। कपड़े वो अच्छे लगते हैं जो आपके लिए सुखमयी हो, और हमेशा दूसरों को अच्छा दिखने के लिए आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, उसी प्रकार से ये आत्मा है, ये भी अच्छे कपड़े मांगती है, यानी कि माता पिता का आशीर्वाद ये उनके कपड़े हैं। आइए आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी से गुजारिश करने जा रहा हूं कि आप पेरेंट्स के संग अच्छे समय को बिताएं, बहुत समय बिताएं, और जैसा कि कोरोना वायरस चल रहा है, लॉकडाउन का पीरियड है, पूरा परिवार एक साथ इकट्ठे बैठता है, लेकिन क्या ये विपदा के समय ही इकट्ठे बैठना है? क्यों ना हम रोज अपने माता पिता के संग बैठें और माता पिता भी बच्चों के संग बैठें, उनकी नादानियां मुस्कुराहट दे जाती हैं और माता पिता की डांट जीवन को अच्छा बनाती है। क्या आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं? क्या आप मुस्कुराना चाहते हैं? तो फिर चलिए हम और आप वादा करें कि परिवार के संग रहेंगे, मुस्कुराएंगे, बीमारी से तो बचेंगे ही, कोरोना वायरस को तो हराएंगे ही, लेकिन परिवार की शक्ति को हम आपस में नहीं सबको समझाएंगे। जी हाँ, कहते हैं कि एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन पांच लकड़ियों को तोड़ना आसान नहीं। ये कहानी आप सबने सुनी है, लेकिन इसे जीवन में उतारना होगा। नमस्कार।